बात करेंगे जॉब रहने वाली है GEA ग्रुप में। तो यहाँ पे देखो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल की जॉब है जो कि बैंगलोर कर्नाटक लोकेशन है। 21 आवर्स पहले आई है, ओवर 200 एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं। फुल टाइम में जॉब रहने वाली है। अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक का कोड डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर लेना। और सैलरी भी गाइज मैं वहाँ पे कमेंट कर दूंगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेना गाइज अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे आपको बता दूँ क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है और स्किल्स वगैरह कैड सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ऑटो कैड इन्वेंटर, ऑटो कैड और सॉलिड वर्क्स एनएक्स क्रियो वगैरह। क्वालिफिकेशन है गाइस यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हो आप एज ए फ्रेशर भी, और फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर लेना गाइस, या पढ़ लेना कंपनी के बारे में। यहाँ पे और जॉब्स भी आई हैं, तो ये वडोदरा में रहने वाली है इस जॉब, तो इनको भी आप चेक कर लेना। काफ़ी जॉब्स आई हैं इस कंपनी में, कुछ फ्रेशर है कुछ एक्सपीरियंस भी रहने वाली है। तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री मांगी है गाइस, या फिर BA+ क्वालिफिकेशन मांगी है इसमें। इसके बाद है गाइस ऑटोमेशन इंजीनियर की इसी कंपनी में जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आप देखोगे डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये एलिजिबल रहने वाले हैं डिप्लोमा वाले भी और गाइस डिग्री वाले भी। तो यहाँ पर देखोगे इंजीनियर ऑटोमेशन की जॉब है, GAE बड़ौदा लोकेशन रहने वाली है। तो इस पर भी अप्लाई पे क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेशर भी आप देख लेना गाइस अप्लाई कर लेना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्वालिफिकेशन पढ़ के ही अप्लाई करना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन उन्होंने डिफाइन नहीं की हुई है, तो इसे चेक कर लेना। इसके बाद नीचे हम देखेंगे इंजीनियर ऑटोमेशन की एक और जॉब है जो कि सेम ही टाइटल से रहने वाली है, तो इसमें दी हुई गैस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसके बाद गैस टेक्निकल कंसल्टेंट की जॉब रहने वाली है, अगर कोई इसे करना चाहता तो ये भी आप देख लेना पढ़ लेना इसे। तो इसमें डिग्री और IT डिग्री होनी चाहिए IT में और कंप्यूटर साइंस में। फिर इंजीनियर कंट्रोल की रहने वाली है, तो अगर इसमें कोई करना चाहता है जॉब तो ये भी पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखोगे इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये एलिजिबल है 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। इंजीनियर डिजाइन की जॉब रहने वाली है। तो ऐसे गाइस बहुत सारे जॉब्स हैं, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन में दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। काफ़ी जॉब्स आई हैं इस कंपनी में। थैंक यू आज के वीडियो में, इतना ही, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।